घटना करो ले जा कल हम किचन घटना करो लेकिन ये साहब कहां है अभी सो रहा है साहब को जवाब देना पड़ेगा सबको जवाब देना पड़ेगा आती है ना भी मना करो लेकिन जिससे अधिकार नहीं आपको बार-बार चलो भाई फिकर में एक से किसका लोड नहीं ले सकता इसी तरह से गिर तो क्यों रे एक से एक लोड नहीं ले सकता इतना ये है तो बहुत बड़ा कैप्चर बना है हमने जो देखा तुमने भी देखा पूरा हम लोग देख रहे हैं कि 5 नंबर पिलर के दोनों बगल 18-18 जो स्लैब गिर गया है और तुम देखो लगता है कि मिट्टी से ढाल दिया है इसको। हमने खबर कर दिया सीएम साहब को और डीएम साहब को भी खबर हो गया, वो भी अपना प्रक्रिया कर रहे हैं, हम लोग भी सरकारी प्रक्रिया कराएंगे। सीएम साहब से बात होगी, इसका उच्च स्तरीय जांच करावेंगे और किसी को जो दोषी होगा उसको बचने नहीं देंगे। कारण ये सीएम साहब का सुल्तानगंज का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सुल्तानगंज में ये पुल बड़ा संघर्ष के बाद बनना शुरू हुआ और जिसके गलती से ही ये सब हुआ है उसको छोड़ा देंगे। हमने उस वक्त जो थे मैनेजर उनको भी कहा, इंजीनियर को भी कहा, उन्होंने कहा था कि ये बालू डायरेक्ट हम लोग नहीं लगाते हैं, इसको छान के थी चाल के लगाते हैं और ऐसा हमारा केमिकल यहाँ सब है उससे जमच करके लगाते हैं। लेकिन अभी तोड़ के देखिएगा तो बीच बीच में मिट्टी आपको मिलेगा, तो जो टूटा हुआ है देखे थे बीच में मिट्टी मिला उनको। तो एक्सपर्ट आएंगे तो और विशेष अब तो पूरे पूल का जाँच करवाएंगे हम लोग। ये तो संजोग से ही गिर गया, दूसरे पिलर के अगल बगल में क्या स्थिति है पूरे पूल का जांच होगा, उच्च स्तरीय जांच होगा। महोदय को यहाँ से मैंने सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया है और सांसद महोदय ने बहुत ही अफसोस व्यक्त किया है और साथ ही कहा है कि ये जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही हकीकत पता चल लापरवाही हुई है और जो भी दोषी होंगे उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई मतलब उनके द्वारा कही गई है कि करवाई जाएगी। इसलिए लोग आश्वस्त रहें कि पुल जब तक पूर्ण रूप से मतलब अपनी गुणवत्ता से नहीं बनेगा तब तक इस पर परिचालन और निर्माण रुका रहेगा और जब ये पूरी जांच हो जाने के बाद फिर से पुल का निर्माण होकर जल्द से जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा, ऐसी आशा उन्होंने व्यक्त की है। और बहुत जल्द वो अपने से भी इस क्षेत्र में आ करके इस सारी बातों को अपने से देखेंगे और इस पर जिनसे भी बात करनी होगी आवश्यक बात करके आगे की कार्रवाई कराने के लिए निश्चित करेंगे।